जी बाबा, फाड़ दो इस तस्वीर को, फाड़ दो। ये क्या कर रहे हो? खबरदार, वरना पुलिस के हवाले कर दिए जाओगे। पुलिस के हवाले करो इस बेशर्म औरत को, इस रूपकला को, जो अश्लील नाच नाचती है और अपने आप को कहती है मंगल महाराज की शिष्या। मेरी शिष्या मुझे मंगल महाराज को बदनाम करती है। मैं इस निर्लज नर्तकी को अपनी शिष्या मानने को तैयार नहीं। आप अंदर चलिए। देखो बाबा, इस तरह गुस्सा दिखाने और शोर मचाने से कोई फायदा नहीं, मेहरबानी करके बाहर चले जाइए। जाओ भाई, जाओ ना। चलिए बाबा, चलो यहाँ। कंचनी कहीं की कुल को बदनाम करती है, पैसे पर जान देती है। देखो फिर वही तस्वीर, जगह जगह हमारी बदनामी हो रही है। यहाँ कौन रहता है? शाबाश, कमाल कर दिया। वाह 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 वाह। नहीं, हाँ हाँ कहो। ऐसे बाजारी नाच की वाहवा करते हो क्या? ऐसे लटक मटक नाच को नृत्य कहते हैं? न कोई शास्त्र, न कोई शास्त्रीय ताल। आप कोई नर्तक मालूम होते हैं? जी हाँ। बड़ बड़ के बातें न कीजिए महाशय, अगर इतनी ही समझ है तो आइए मुकाबले में। लाओ जी तबला। चलो बेटा, अब नमन का थोड़ा लो। लाओ जी पखावर, आप लोग भी बजाएंगे? जरूर। स्नान संध्या के बाद शिष्य गुरु को नमस्कार करने आता है। प्रभात का समय है। Thank you.
इसे कहते हैं नृत्य, यह है असली नृत्य कला। चलो बेटा। नीला देवी, क्या मंगल महाराज तुम्हारे यहाँ से गए हैं अभी? जी हाँ, जी हाँ। सारे देश में मान है उनका, ऊंची से ऊंची पदवी पाई है भारत नटराज की। मास्टर जी तो जानते ही होंगे उन्हें। जी खूब जानता हूँ, मगर भारत नटराज के खिताब की बात जाने दीजिए। उस उत्सव में असली हकदार मेरे पिताजी थे, मगर फैसला करने वाले पंचों की पिताजी से दुश्मनी थी, इसलिए उनकी जगह मंगल महाराज के हक में फैसला हुआ। मगर गुरु जी, उनके बेटे की जो कला मैंने आज देखी, उसके मुकाबले में तो ऐसा मालूम होता है कि मुझे सिर्फ बाजारी नाचे सिखाया गया। जी, लेकिन तुम्हारे मणि बाबू का कहना था कि 6 महीने के अंदर अंदर देश भर में नाच का प्रोग्राम कराने के लिए जल्दी से जल्दी तुम्हें अच्छा नाच सिखाया जाए, और साथ साथ समूह नृत्य के लिए इतने सारे लड़के लड़कियों को भी तैयार किया जाए। 6 महीने में और क्या आसमान से तारे तोड़ लाता, इतनी मुद्दत में मंगल महाराज तो भाड़ भी न झोंक पाते। क्या कहते हो, इतने बड़े कलाकार की शान के खिलाफ मैं एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करती। तुम मेरा अपमान कर रही हो, आज से मेरा इस हवेली में कदम रखना हराम है। वो नई धर्मशाला में उतरे हैं। धर्मशाला में उतरे हैं जी, तो आए हैं बनारस से। नृत्य के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो तो बिल्कुल अनाड़ी है बाबा, अनाड़ी। नीला कोई मामूली नाचने वाली नहीं बेटा, होनहार और सुशील मालूम होती है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मगर बाबा, अब तक जितनी भली बुरी लड़कियां हमने देखी, उनमें नीला ही सबसे अच्छी है। और फिर समय ही कहां है ज्यादा खोजने के लिए। बरस भर ही तो रह गया है नटेश्वर मंदिर के मुकाबले वाले उत्सव में। मानता हूं नीला पर मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, मगर मेहनत ही से भाग्य बनता है। मेरा भाग्य बना दो महाराज, मुझे अपनी शरण ले लो, अपनी शिष्या बना लो। तुम्हें देखा देखी शौक हुआ है या कला के अर्चना से कह रही हो? नृत्य की अर्चना ही से पांव उठे हैं महाराज, जो मैं आपसे आप खींचे चली आई अपने गुरु के द्वार। तुम्हें बड़ी भारी गुरु दक्षिणा देनी होगी। अवश्य, धन दौलत, गहना देवर, बाग बाड़ी हवेली, हमें तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहिए, मेहनत चाहिए। मेहनत, रियाजत, श्रद्धा और तपस्या, एक सच्चे विद्यार्थी और त्यागी की तपस्या। मेरी परीक्षा ले लीजिए, आत्मा देखिए महाराज। हमारे पास परीक्षा के लिए समय नहीं है, हमें नटेश्वर मंदिर के उस इनामी उत्सव में शरीक होना है जो हर 10 बरस के बाद होता है बसंत बहार में। उसमें गिरधर जी एक नाच दिखाएंगे अकेले, और दूसरे में एक स्त्री के साथ। हाँ, अगर ये मान जाओ तो स्त्री पुरुष वाले साझी नृत्य के लिए हमें तुम्हें शिष्या बनाना स्वीकार है। बाबा, कहना आसान है, कर गुजरना मुश्किल।
ये क्या जाने कला की कठिन। महाराज आप कहिए तो सही, क्या आज्ञा है? रियाज की सख्तियां सहनी पड़ेंगी, आंसुओं के खून पीने पड़ेंगे, पैरों के छाले फोड़ने होंगे, लोहे की देह बनानी होगी। मंजूर है, मुझे सब मंजूर है महाराज। जवान की उमंगे और प्रेम प्यार की बातें, उनके बदले कला की सेवा और प्रभु की उपासना से आनंद लूंगी। एक सेविका की तरह पुजारिन बनकर जौवन का सा जीवन बिताने को तैयार हूं। भगवान तुझे अपने इरादे पर कायम रहने की शक्ति दे। जा, कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ तेरे नए जीवन का उदय होगा। कल्याणमस्तु। अपनी परीक्षा में पूरी उतरो और नटेश्वर की कृपा से तुम्हारा कल्याण हो। खुश रहो बेटी। लीजिए मुंह मीठा कीजिए, आइए। महाराज ये है मेरे बचपन के साथी मणि बाबू। ओहो, साथी भी और सलाहकार भी। अगर ये सीखने में कुछ गड़बड़ करे तो आप मुझसे कहिएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुबारक हो भाई। गिरधर तुम्हें नीला को पहला तोड़ा बताना है, आओ नीला। राम, न जाने मालकिन को क्या सूझी, घाटे का सौदा कर बैठी है। एक तो नाच गाना छोड़ने से आमदनी बंद, उस पर खर्च दूना। ऐसे नाच महाराज लाकर बिठाए हैं घर में जिनसे तौबा ही भली। बाहर धर्मशाला में रहते थे बैरागी बनकर, यहाँ हुक्म चलाते हैं राजों की तरह। देखो आज की खरीद पूरे 50 रुपए की है। चुप रहे। उधर देख, उधर देख, बेचारी मालकिन नाच की तालीम में अपना खून बसना ये कर रही है और तू यहाँ बैठी बैठी अपना रोना रो रही है। उठ। बैठ नीचे, बैठ और अपने स्वामी के चरण छू शपथ ले। चरण छू। तेरा पति तेरा कल्याण करे, कल्याण करे। अच्छा हाँ। तो अब तुम शपथ लो अपनी स्वामिनी के सर पर हाथ रखकर। कहो क्या कहो। कहो क्या कहो। मैं बदलू, मैं बदलू बिंदिया रानी का दास, बिंदिया रानी का नीला देवी का नौकर। हाँ। प्रण करता हूँ। हाँ। कि मैं टमाटर की तरह पिलपिला, कद्दू की तरह फुसफुसा और बैंगन की तरह बेगुन रहूं। क्या कहा। तुम्हारी पत्नी तुम्हारा कल्याण। कल्याण करे या परेशान करे, आप ही देखता हूँ क्या करे। अच्छा परेशान तो परेशान। अरे मैं तो मजा कर रहा हूँ। Oh.
नमस्ते नमस्ते, बैठो बैठो। मणिलाल, आज राधा कृष्ण नृत्य की पक्की तालीम है, देखना इतने महीनों में नीला ने कैसा कमाल हासिल किया है। आओ आओ मणिलाल, बैठो। गिरधर, तैयार हो ना? जी बाबा। चलो शुरू करो जी। खूब खूब, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश नीला शाबाश। अब जाओ बच्चे, जाओ। क्यों मणिलाल, क्या ख्याल है? कमाल है कमाल महाराज, जैसे सचमुच के कृष्ण और राधा। यही तो खूबी है असली कला की। अजी खूबी कहिए या खराबी, क्या मतलब? यही कि इस तरह कलाकारों में एक दूसरे से गहरी दिलचस्पी यानी मोहब्बत पैदा हो जाने का डर है। मुझे जरा भी डर नहीं, मेरा गिरधर सुंदर से सुंदर कुमारियों के साथ नृत्य करता आया है, मगर क्या मजाल, पांव फिसल जाए या मन मचल जाए। जब तो ठीक है महाराज, आप जानते हैं कि मुझे नीला से। हाँ हाँ मणिलाल, तुमसे ज्यादा मुझे अपने गिरधर का ख्याल है, मगर भरोसा रखो, हमारे घराने के लोग भारत नटराज की पदवी पा लेने के बाद ही शादी ब्याह का नाम लेते हैं, और फिर शादी करते भी हैं तो प्रेम प्यार की नियत से नहीं, सिर्फ अपने कुल का नाम और कला को जिंदा रखने के लिए। क्या समझे? आपकी बातें मेरी समझ के बाहर हैं, फिर भी समझ गया महाराज। नमस्ते मणिलाल। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वाह 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 लीला, आज तो तुमने कमाल कर दिया। मैं जानता हूं कि कला में नकल को असर कर दिखाना तो चाहिए, मगर इस दर्जे तक नहीं जिससे उसका असली जीवन पर कोई गहरा असर पड़े। वाह, तुम भी कैसी बातें करते हो। हाय राज, तुमने वाकई कमाल कर दिया। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि तुम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो। तुमसे यही उम्मीद है मणि बाबू। कोई बात नहीं नीला, अगर और रुपयों की जरूरत पड़े तो बदलू को भेजकर मंगवा लेना, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी शोहरत के लिए, इस राधा के लिए। मगर याद रखना, कहीं सचमुच राधा न बन जाना गिरधर की। जी मालकिन ने फैसला किया कि वो शादी नहीं करेगी। वाह वाह वाह, बड़ा अच्छा फैसला किया, बड़ा अच्छा फैसला किया भाई, बहुत ही अच्छा फैसला किया। तो फिर तुमने अपने लिए अच्छा फैसला क्यों ना किया? हाँ, तुम्हारा हमारा किस्सा ही अलग है। ये शादी बिया का झमेला जी का जंजाल है, यहाँ खतरनाक जुआ है। क्या? ये और बात है कि इस जुए में हम दोनों की एक शानदार जीत हुई है जी। जी याने? याने कि तुम्हें पति मिला वो एहसान ने, और मुझे पत्नी मिली वो लाखों में एक। हाय हटो परे, नटखट कहीं के। नटखट 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 नटखट। क्यों बंद क्यों कर दिया? कहाँ से सीखा बदलू? शादी से पहले मैं एक अमेरिकन साहब के पास मोटर ड्राइवर था, उनके हमेशा ऐसी खटपट हुआ करती थी, मैं देखा देखी सीख गया। बिंदिया को थोड़ा बहुत सिखाया मैंने, बड़ा ऊट पड़ा ना चाहिए, आपके लायक नहीं। क्यों नहीं? नहीं नहीं मालकिन, आपसे कभी नहीं होगा। नहीं हाँ। क्यों ना होगा, हम जरूर देखेंगे और नाचेंगे। बदलू चलो शुरू करो।